हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज पके आम का बर्फी बनाया जाए जो बहुत ही टेस्टी होता है। ये पका हुआ आम है, इसको मैंने धुल कर रख लिया है और इसका ये निकाल लिया है रस को। सभी आम के पल्प को एक जगह इकट्ठा रख लीजिए। ये बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने घर के देसी आम से बनाया है इसको। अब इसमें डालने वाली सामग्री, 200 ग्राम चीनी मैंने रखा है, एक कटोरी नारियल का बुरादा है, एक किलो दूध को मैंने रबड़ी की तरह से गाढ़ा कर लिया है, इसमें डालने से बहुत स्वादिष्ट होता है, ये बादाम है और छोटी इलायची 7 से 8 रखे हैं इसमें डालने के लिए, और किशमिश है आधी कटोरी है। अब कढ़ाई को गरम करके उसमें आम के पल्प को डाल करके धीरे धीरे हमें चलाना है। मीडियम आंच रखा जाएगा क्योंकि तेज आंच रहेगा तो नीचे से आम के पल्प का जलने का डर रहेगा। अब धीरे धीरे चलाते हुए इसको बराबर ऊपर से नीचे बराबर चलाइए। इसमें जो थोड़ा टुकड़ा भी है वो भी गल जाएगा धीरे धीरे आंच पर। मैंने इसको मिक्सी में पीसा नहीं है, डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाला है क्योंकि ये गल जाता है। अब धीरे धीरे कलर बदलना शुरू हो गया है और आम भी देखिए गल रहा है। इसी तरह से चलाते रहिए और ध्यान रहे कि नीचे से पकड़ने ना पाए और हमें बराबर चलाना है। अब देखिए कलर चेंज हो गया है, अब ऑरेंज कलर का हो गया है, अब पक भी गया है। अब पलटे से उठा कर देखिए इसको। अब पानी अगर न गिरे पलटे से नीचे तो समझिए कि ये हमारा तैयार हो गया। देखिए अब पानी सोख गया है, अब पानी इसमें नहीं है। अब हमें सबसे पहले चीनी को डालना है और चीनी को डालने के बाद धीरे धीरे हमको इसको चलाना है क्योंकि चीनी से पानी निकलेगा। तो अभी हमें इसे धीरे धीरे पकाना है। अब देखिए कढ़ाई छोड़ दिया है और इसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा है, ये अब भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हमें दूध की रबड़ी को डालकर और चलाना है कि दोनों आम और रबड़ी दोनों अच्छी तरह से घुल जाए। रबड़ी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें नारियल का बुरादा इसमें डालना है और ये बुरादे को डालकर भी हमको बराबर से चलाना है। अब किशमिश को इसमें डाल दिया जाएगा और डाल के चलाया जाएगा। अब एक ट्रे या प्लेट जो भी आपके पास हो उसमें देसी घी लगा लीजिए। इसको जमाने की तैयारी हम कर रहे हैं। अब इधर थोड़ा सा और हमें इसे मलाई और आम को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह से चलाएंगे। अब प्लेट में थोड़ा थोड़ा पेस्ट को हम निकालते जाएंगे और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ में घी लगाकर धीरे धीरे इसको बराबर करेंगे जिससे ये गोल आकार में बराबर हो जाए। अब प्लेट में हम देखिए इसको पलटे के सहायते से इसको बराबर कर रहे हैं क्योंकि अभी गर्म है। अब जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हाथ से हम इसको बराबर कर लेंगे। अब इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब हमारा बर्फी सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर हमें जो भी मेवा आपको डालना हो, इलायची पाउडर डाल देंगे पहले, फिर मेवे को काट काट कतली उसके ऊपर लगा देंगे। काजू बादाम जो भी आपके पास हो उसको आप लगा दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट बर्फी बनी है। अब इसको मैंने नारियल के बुरादे से थोड़ा सा सजा दिया है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब सजा रहता है। तो अब इसको चाकू की सहायता से अपने मन पसंद आकार में छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहें काट लें। मैंने इसको
चौकोर आकार में काटा है। इतना टेस्टी बर्फी एक बार आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको खिलाइए। इसके बनाने के लिए आप मीठे आम को चुनिएगा तो बर्फी और स्वादिष्ट बनेगी। अगर ये बर्फी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।